याद रखिए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज को पास किए बगैर या सही पास किए बगैर नहीं बना सकते, और अगर हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं है तो हम स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। इस वजह से हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमेशा चाहिए होता है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि वो आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे दे, साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी मेंशन कर दे, एडजस्टिंग एंट्रीज की स्टेटमेंट्स भी दे दे, और ये कह दे नीचे कि आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। इन दैट केस आपको पहले एडजस्टिंग एंट्रीज को, एडजस्टमेंट्स को पास करना पड़ेगा, और फिर आपने अनएडजस्टेड से एडजस्टिंग एंट्रीज को मद्देनजर रख के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आप इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या बैलेंस शीट, ये वाली स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अनएडजस्टेड से बनाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही ट्रायल बैलेंस गिवन है, कोई एडजस्टमेंट्स भी नहीं गिवन, और आपसे स्टेटमेंट्स मांगी जाती हैं, तो इसका मतलब है वो जो ट्रायल बैलेंस गिवन है दैट इज एडजस्टेड, ऑलरेडी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। वेल, अब हम इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को एडजस्टेड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। इनको अब हम एडजस्ट करते हैं, लेट्स सी। अब देखिए, हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने हर एक चीज को एज इट इज यहां पर उतार देना है। नंबर वन पे आप कैश को उतार देंगे। कैश आ गया जी हमारे पास, कैश कितने का है, $26,000। नंबर टू पे हम लोग आ गए अकाउंट रिसीवेबल। एडजस्टेड बैलेंस बनाते वक्त आप लोगों ने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में को देखना है, और फिर आप लोगों ने एडजस्टमेंट्स को देखना है। जब आप एडजस्टमेंट्स को देखेंगे तो जो जो अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स के अंदर मेंशनड है उन अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे उठा के आप लोगों ने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन कर लेने। मैंने भी ऐसा ही किया, जो जो अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन थे मैंने उनकी वैल्यूज को छोड़ दिया और बाकी सारे के सारे एज इट इज यहाँ से उठा के इधर लिख दिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के अंदर कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो कैश था हमारे पास 26,000, मैंने इसको एज इट इज उठा के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर बाय 26,000 उसको मेंशन कर दिया। इसी तरह से जिस जिस का जिक्र इन एंट्रीज के अंदर नहीं है, एडजस्टमेंट्स के अंदर नहीं है, और वो सारे के सारे अकाउंट्स मैं यहाँ से उठा के बिल्कुल उसी अमाउंट्स के साथ मैं उनको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन कर दूंगा। अब जिनकी जिनका यहाँ पे जिक्र है मैंने उनकी अमाउंट्स को एज इट इज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन नहीं किया, मैं उनको अभी सेट करूंगा खुद। देखते जाते हैं जी। अब पहले कैश हमारे पास था 26,000, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स में नहीं आया, हमने एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। अब हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल नहीं था, हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। देखिए क्या यहाँ पे कोई अकाउंट रिसीवेबल है, यस है, अकाउंट रिसीवेबल है, दैट इज बाय 7500। और यहाँ पे 7500 अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम लोग भी 7500 से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। अगर पहले से कोई अमाउंट यहाँ पर होती, सपोज 500 थी, तो 500 में हम वो डेबिट था, ये भी डेबिट था 7500, इन दोनों को जमा करके हम यहाँ 8000 लिख रहे होते इन दैट केस। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि कुछ भी नहीं था अकाउंट रिसीवेबल में, तो हम लोगों ने 7500 जो डेबिट हो रहा है एज इट इज उसको डेबिट में जमा कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, टीचिंग सप्लाईज हमारे पास 10,000 की हैं, तो टीचिंग सप्लाईज को हम लोगों ने जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर टीचिंग सप्लाईज को देखिए, टीचिंग सप्लाईज को मैंने उसकी वैल्यू नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि टीचिंग सप्लाईज यहां पे मेंशन है हमारे पास, उसको सर्च करते हैं। यस, टीचिंग सप्लाईज एक्सपेंस इज अ डिफरेंट थिंग, याद रखिए टीचिंग सप्लाईज इज अ डिफरेंट थिंग। तो टीचिंग सप्लाईज हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वही टीचिंग सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 7400 से। देखिए यहां पर टीचिंग सप्लाईज डेबिट था 10,000 से, और हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पे क्रेडिट हो रहा है बाय 7400। तो डेबिट में से क्रेडिट को क्या कर देंगे, हम यहां पर माइनस कर देंगे, 10,000 में से 7400 को माइनस कर देंगे, और हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 2600। ये हमारे पास टीचिंग सप्लाईज आ जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं, टीचिंग सप्लाईज के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है 15,000 से। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या यहां पर था, यस, यहां पर भी प्रीपेड इंश्योरेंस था। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ क्रेडिट हो रहा है, वहाँ पर डेबिट था 15,000 से, यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट बाय 3,000। तो 15,000 डेबिट में से क्रेडिट का माइनस हो जाएगा, दैट इज 3,000। तो 15 में से जब 3,000 माइनस करेंगे इट विल बिकम 12,000। तो 12,000 जो है डॉलर्स वो प्रीपेड इंश्योरेंस में हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। देन आ गया हमारे पास प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट यहाँ पे 2,000 था हमारे पास डेबिट में,
ठीक है जी। क्या यहाँ पे हमारे पास प्रीपेड रेंट है? आई गेस सो के प्रीपेड रेंट हमारे पास था, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। तो प्रीपेड रेंट 2000 से ही क्रेडिट हो रहा है, वहां पे 2000 से डेबिट था, हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया 2000 से। तो जाहिर है 2000 माइनस 2000 दैट विल बी जीरो। तो हम लोग प्रीपेड रेंट को भी कुछ भी उसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोफेशनल लाइब्रेरी। इसके अंदर प्रोफेशनल लाइब्रेरी का अकाउंट कहीं नहीं आया, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह आई है और चीज़ आई है, लेकिन वो खुद प्रोफेशनल लाइब्रेरी के नाम से कोई ट्रांजेक्शन, कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं आई। देन एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी की 9000 यहाँ पर मैंशनड है जी, 9000। हम लोगों ने भी एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी है प्रोफेशनल लाइब्रेरी की। देखते हैं जी, डेप्रिसिएशन है यहाँ पे प्रोफेशनल लाइब्रेरी की 6000 से हम लोगों ने एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया। वहाँ पे एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से क्रेडिट है? 9000 से। हम लोगों ने यहाँ पे कितने से क्रेडिट किया? 6000 से। तो 9 + 6 करेंगे, इट विल बिकम 15000। देखें वो भी क्रेडिट में था, ये भी क्रेडिट में था, तो हम लोग इनको ऐड कर देंगे और क्रेडिट में ही हमारा जो बैलेंस है वो चला जाएगा विद 15000। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल लाइब्रेरी के कुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसके क्रेडिट में आ जाएगा $15,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स में नहीं आया। उसके बाद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की, यस ये आई है। यहाँ पे हमारे पास 16000 से क्रेडिट है, और इस जगह अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की 12000 से क्रेडिट हो रही है। 12000 से यहाँ क्रेडिट हो रही है 12000 से, और वहाँ पे क्रेडिट थी 16000 से। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 16000 क्रेडिट है और यहाँ पे भी 12000 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की क्रेडिट ही है 12000। तो 12000 और ये वाला 16000, 16000, ये कितना बन जाएगा? 28000। तो 28000 को हम लोग मेंशन कर देंगे क्रेडिट में ही, 28000 से इक्विपमेंट की इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। देन वी टॉक अबाउट अकाउंट पेएबल। आई थिंक अकाउंट पेएबल में हमारे पास गिवन है जी 36000, और 36000 से क्या कोई हमारे पास यहाँ पे अकाउंट पेबल आया है? नो, कोई अकाउंट पेबल के नाम से, अकाउंट पेबल के नाम से कुछ नहीं आया। तो हम लोग अकाउंट पेबल को एज इट इज उठाएंगे यहाँ से 36000, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय 36000। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल हमारे पास यहाँ पे जीरो है क्रेडिट में, और क्या हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे सैलरीज पेबल क्रेडिट किया है? यस, यहाँ पे हम लोगों ने उसका नाम वेजेस रखा है, लेकिन एक्चुअली ये सैलरीज को यहाँ पे काउंट कर रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक, इसलिए उन्होंने ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का नाम यूज़ किया, वेजेस का नहीं किया। हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसको हम सैलरीज ही समझ लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसके अकाउंट का भी नाम क्या मेंशन कर लेते हैं? सैलरीज एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। और तो आप देख सकते हैं कि सैलरीज पेएबल कितने से? 400 से क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे सैलरीज पेएबल की अमाउंट क्या थी? जीरो। तो क्रेडिट हुआ है सिंपली 400 से, और पहले कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है 400 का 400 वैसे ही सैलरीज पेएबल में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। देन आ गया हमारे पास अनअर्न ट्रेनिंग फी। अनअर्न ट्रेनिंग फी जो कमाई नहीं है, अनअर्न ये हमारी लाइबिलिटी होती है, जो कि हमने एडवांस में पैसे ले लिए होते हैं, फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट देना होता है। बाय अनअर्न ट्रेनिंग फी हमारे पास 11000 से क्रेडिट है। यहाँ पे देखते हैं अनअर्न ट्रेनिंग फी क्या हमारे पास थी। अनअर्न ट्रेनिंग फी, यस, हमने डेबिट किया था उसको बाय 4400। तो 4400 से डेबिट किया है, वहां पे अनअर्न ट्रेनिंग फी 11000 से क्रेडिट हुई है। तो 11000 क्रेडिट है, हमने उसमें से 4400 डेबिट कर दिया। तो 11000 से 4400 को हम माइनस करेंगे, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था उसमें से ये डेबिट वाला 4400 कट जाएगा। तो बाकी 11000 में से 4400 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 6600, यानी 6600 हमारे पास बच जाएगा। तो 6600 हमारे पास कहाँ पर चला जाएगा? क्रेडिट में, अनअर्न ट्रेनिंग फी की क्रेडिट में 6600। 10000 थी ना हमारी, और 10000 में से हम लोग 11000 था, 11000 में से हमने डेबिट कर दी, वो लाइबिलिटी खत्म की है वो 4400 से। आगे बढ़ते, कैपिटल हमारा यहाँ पे था, इसमें कहीं कैपिटल नहीं आया तो हम लोग इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। विड्रॉल्स की बात करते हैं, विड्रॉल्स 40000 है, इसके अंदर भी कोई विड्रॉल्स नहीं है, तो हम इसको भी एज इट इज़ ही आगे मेंशन करेंगे। ट्यूशन फी अर्नड है हमारे पास बाय 10 2000, 1,02,000
हमारे पास ट्यूशन फी अर्न, यहाँ पे सर्च करते हैं ट्यूशन फी अर्नड है, ट्यूशन फी रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं ट्यूशन फी अर्नड बाय 7500, यहाँ पे भी 7500 से क्रेडिट है और यहाँ पे भी ट्यूशन फी 1,02,000 से क्रेडिट है। इन दोनों को जमा करेंगे, इस क्रेडिट को 7500 को और इधर से ट्यूशन फी अर्नड को, दोनों को जमा कर देंगे, 1,02,000 जमा 7500, 1,95,000 That will become 1,95,000, 1,10,95,00। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ट्यूशन फी अर्न आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ट्यूशन फी अर्न के बाद ट्रेनिंग फी अर्न जो है वो हमारे पास 38,000 से क्रेडिट है। हम लोगों ने भी ट्रेनिंग फी रेवेन्यू को क्रेडिट किया था बाय 4,400 से हमने भी क्रेडिट किया ट्रेनिंग फी को, उन्होंने भी पहले भी क्रेडिट किया हुआ है। 38,000 में प्लस कर देंगे 4,400, इट विल बिकम 42,400। तो हम इसको 42,400 ट्रेनिंग फी अर्न में मेंशन करेंगे, 42,400। उसके बाद बड़ा आसान काम है, आगे जी हम देखते जाते हैं, ट्रेनिंग फी अर्न भी हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लाइब्रेरी का और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का, इन दोनों का एक्सपेंस हमने डेबिट किया था। देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का 12,000 से डेबिट किया हमने और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लाइब्रेरी का 6,000 से क्रेडिट किया, इनको हम मेंशन कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लाइब्रेरी का 6,000 से और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का 12,000 से हम लोगों ने डेबिट किया। पीछे तो कोई बैलेंस नहीं था ना, अनएडजस्टेड में कोई बैलेंस नहीं था, हम लोगों ने जो डेबिट किया था उसको हम लोगों ने एज इट इज मेंशन कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, सैलरीज एक्सपेंस बाय 48,000, सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो सैलरीज एक्सपेंस 48,000, हम लोगों ने भी क्या सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया, यस 400, तो 48,000 प्लस 400 करेंगे तो 48,400 बन जाएगा, तो सैलरी एक्सपेंस विल बिकम 48,400। देन हम बात करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे जीरो है, क्या हम लोगों ने डेबिट किया था, यस हमने 3,000 से डेबिट किया था, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस में 3,000 हम लोग ऐड कर देंगे, मेंशन कर देंगे। फिर आ गया हमारे पास रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस यहाँ पे है जी 22,000, क्या हमने भी रेंट एक्सपेंस की कोई एंट्री पास की थी जी, यस रेंट एक्सपेंस 2,000 से हम लोगों ने डेबिट किया था, 2,000 ये वाला आ गया और ये वाला 22,000 कितना हो गया जी 24,000, तो रेंट एक्सपेंस विल बिकम 24,000। फिर टीचिंग सप्लाईज एक्सपेंस आ गया, टीचिंग सप्लाईज एक्सपेंस जीरो है, हम देखते हैं क्या हमने कहीं डेबिट किया टीचिंग सप्लाईज एक्सपेंस, यस 7,400 से डेबिट किया, तो हम लोग भी इसको 7,400 से ही लिख देंगे क्योंकि पहले इसका कोई बैलेंस मौजूद नहीं है जिसमें ऐड या लेस करें। देन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, उसका यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। यूटिलिटीज एक्सपेंस है वो है 5,600, वो भी इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको भी हम लोगों ने एज इट इज़ ही यहाँ पे 5,600 को मेंशन करना है। अब हम इन दोनों साइड्स को जो है वो टोटल करेंगे, हमारा इन दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, और अगर आपका इक्वल नहीं है तो आपका सवाल गलत है, और आप ये भी चेक कर सकते हैं, यू शुड मेक श्योर कि आपने यहाँ से सारी की सारी क्या एडजस्टमेंट्स एडजस्ट हो गई हैं, कि आपने एक एक चीज़ को इनको भी देख लेना है कि कोई इसमें से मिसिंग तो नहीं है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ पे अनएडजस्टेड के अंदर एक एक्सपेंस का नाम नहीं लिखता, सपोज यहाँ पे रेंट एक्सपेंस का नेम नहीं लिखता या सैलरीज एक्सपेंस का नेम नहीं लिखता, किसी एक का नेम नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पे उसके एडजस्टमेंट में वो डेबिट हो जाता है। इन दैट केस आपको खुद से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर उस एक्सपेंस का नाम डालना पड़ेगा, तब जो है ना वो जाके प्रॉपरली एडजस्ट होगा। तो इनको बराबर होना चाहिए, इसको टोटल करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस का हम लोगों ने टोटल कर लिया, और ट्रायल बैलेंस के टोटल के अंदर आप देख सकते हैं इधर से भी 3,15,000 जो है वो आ गया और इस तरफ भी 3,15,000 आ गया, और ये हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बराबर आता है, और ये टोटल आ गया हमारा बराबर है, ये इसका मतलब है हमारा सवाल दुरुस्त है और हम लोग जो है अब इससे आगे मूव कर सकते हैं। अब हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनानी है या इनकम स्टेटमेंट बनानी है या फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है या फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है, वो सारी की सारी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही बन सकती है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत आसान और इनिशियल लेवल के ऊपर ख़ास तौर पे करेंगे, ताकि आप उसको जब आप फॉरेन ऑथर की बुक्स को पढ़ें तो आप उनकी एग्जांपल्स को देख के आप किसी भी लेवल पे इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग इसी ट्रायल बैलेंस से जो है वो अगली स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।